वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो उससे न्यायालय द्वारा सुनाए जाने वाले निर्णय को सुनने के लिए हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी, किंतु उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें विचारण के दौरान उसकी वैयक्तिक हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे दी गई है और दंडादेश केवल जुर्माने का है या उसे दोष मुक्त किया गया है, परंतु जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं और उनमें से एक या एक से अधिक उस तारीख को न्यायालय में हाजिर नहीं है जिसको निर्णय सुनाया जाने वाला है, तो पीठासीन अधिकारी उस मामले को निपटाने में अनुचित विलंब से बचने के लिए उनकी अनुपस्थिति में भी निर्णय सुना सकता है। किसी भी दंड न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय केवल इस कारण विदित अमान्य न समझा जाएगा कि उसके सुनाए जाने के लिए सूचित दिन को या स्थान में कोई पक्षकार या उसका प्लीडर अनुपस्थित था या पक्षकारों पर या उनके प्लीडरों पर या उनमें से किसी पर ऐसे दिन और स्थान की सूचना की तामील करने में कोई लोप या त्रुटि हुई थी। इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह धारा 465 के उपबंधों के विस्तार को किसी प्रकार से परिसीमित करती है। निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय धारा 353 में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। अवधारण के लिए प्रश्न उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अंतर्विष्ट करेगा। वह अपराध यदि कोई हो जिसके लिए और भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 या अन्य विधि की वह धारा जिसके अधीन अभियुक्त दोष सिद्ध किया गया है और वह दंड जिसके लिए वह दंडादिष्ट है विनिर्दिष्ट करेगा। यदि निर्णय दोष मुक्ति का है तो उस अपराध का कथन करेगा जिससे अभियुक्त दोष मुक्त किया गया है और निर्देश देगा कि वह स्वतंत्र कर दिया जाए। जब दोष सिद्धि भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 के अधीन है और यह संदेह है कि अपराध उस संहिता की दो धाराओं में से किसके अधीन या एक ही धारा के दो भागों में से किसके अधीन आता है, तो न्यायालय इस बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करेगा और अनुकल्पतः निर्णय देगा। जब दोष सिद्धि मृत्यु से अथवा अनुकल्पतः आजीवन कारावास से या कई वर्षों की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए है, तब निर्णय में दिए गए दंडादेश के कारणों और का और मृत्यु के दंडादेश के लिए विशेष कारणों का कथन होगा। जब दोष सिद्धि एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए है किंतु न्यायालय 3 मास से कम अवधि के
कारावास का दंड अधिरोपित करता है, तब वह ऐसा दंड देने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। उस दशा के सिवाय जब वह दंडादेश न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का नहीं है या वह मामला इस संहिता के उपबंधों के अधीन संक्षेपतः विचारित नहीं किया गया है। जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया जाता है तो वह दंडादेश यह निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। धारा 117 के अधीन या धारा 138 की उपधारा 2 के अधीन प्रत्येक आदेश में और धारा 125, धारा 145 या धारा 147 के अधीन किए गए प्रत्येक अंतिम आदेश में अवधारण के लिए प्रश्न या उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अंतर्विष्ट होंगे। स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे डिक्टेशन डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।